चलिए क्या इसके सांस सूखे पड़े। हेलो जैनी, हेलो कोई, हेलो क्या हुआ? अभी मैं हाथ नहीं लगा रहा तुम्हें, मैं क्योंकि अभी मैंने करना है नाश्ता। आजा आजा आजा। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं, असल में मेरा हो गया एक्सीडेंट और मैं बच गया हूँ। कोई इतनी चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, ऐसे ही है। इधर हाथ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हल्की सी रगड़ है, पर यह हथेली पे वैसे भी इतना कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा, ऐसी हल्की सी रगड़ लग गई थी। तो आपको मैं बाइक की हालत दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि जी कितना डैमेज हुआ है। तो अभी शाफ मेरे पास आया हुआ है मेरा हालचाल पूछने, तो अभी हम सारे इधर बैठे हुए हैं, ऐसे ही गप्पे शप्पे मारने हैं। मौसम ज़रा अच्छा सा हो रहा है इसलिए हम बाहर बैठ गए थे, चाय शाय बनवाई है, चाय शाय आती है वो पीते हैं। तो आज के दिन में क्या हमने करना है वो देखते हैं। तो चलो चाय आ जाए, उसके बाद मिलते हैं। लो यार, चाय चाय आ गई है, ठीक है। अब देखो धुएं निकलने, गरम गरम चाय है, ऐसे नजर आएगा शायद। ये वो दिखा नहीं, अभी भी नहीं नजर आ रहा वो चाय दिखा रहा हूँ, तेरी शक्ल नहीं है दिखाने वाली। लो यार चाय पी ले, ठीक है, वरना ठंडी हो जाएगी, फिर आते हैं। लेना इधर लेना, नहीं मुड़ नहीं है, ले ले पकड़ लेते। हाँ कर देना मेरा काम, ले ले ऊपर से ले ले, ये पतला है मोटा लेना भाई, खाने के लिए कर रहा हूँ, मुंह में चबाने में सही नहीं होगी। तू खाने के लिए ले रहा था? ये खाने के लिए ले रहा था, हम भी खाने के लिए दे रहे थे। भाई ये पकड़ना, नहीं मैं मेरा गन्ना पकड़ा, मैं इससे दूर रहता हूँ, मेरे पास मेरा है, मेरा है मेरे पास, मेरा गन्ना छील दो यार। नहीं आप चलो यार, ये इन दोनों ने लगे रहना, मैं इसको जरा गन्ना छील दे तो फिर ना इसको जरा तंग करता हूँ मैं। मैं तेरा कर्जा नहीं है वो, एक मिनट का इधर आ, मेरा भूख रहा है। लो यार अभी मैं आ गया हूँ वापस, उधर शाफ वगैरह आए हुए थे, शाफ और फैसल दोनों आए हुए थे मेरे पास, उन्हें ज़रा चाय शाय पिलाई, ज़रा ऐसी शुगर वगैरह ऐसी बातें शाते की। अभी मैं आ गई हूँ, अभी मेरे पास ये पायोडीन है और पॉलीफैक्स है, मैं ज़रा ये जो ज़ख़म हल्का सा जो हुआ है इसको ज़रा साफ़ कर लूँ, बाकी अभी थोड़ी देर में मैं ज़रा बाहर जाता हूँ। और ये देखो वैसे चोट तो मेन इधर हाथ पर लगी हुई है, और ये जो पैर है ना, पैर पर ये सॉक्स फटा हुआ है, वैसे पैर के ऊपर कोई चोट वगैरह नहीं लगी हुई, चोट कुछ भी नहीं है, ना कोई ख़राश है, बस वो कह लो जो दब सी होती है ना, कोई ज़ोर पड़ता है पैर के ऊपर वो वाला दर्द है, वही नहीं, एक दो तीन दिन तक ये हो जाएगा सेट। अभी थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाके ना आपको बाइक की हालत दिखाता हूँ, आप लोग बाइक की हालत देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे कि जी बाइक की हालत क्या हुई हुई और मेरी हालत क्या है, यानी कि मुझे चोट सिर्फ ये आई हुई है और मुझे कोई चोट नहीं आई हुई। हाँ ये जो हाथ है ना, हथेलियाँ ये वाली साइड जो होती है, ये जब मैं गिरा था तो मेरे हाथ ऐसे नीचे वो रोड के ऊपर लगे थे, वैसी हल्की सी कह लो इधर खराश, या वो खराश तो नहीं, ऐसी वो रगड़ सी नहीं होती, हल्की हल्की सी वो है। बाकी बाइक की हालत देख के आपको समझ आएगी कि जी कितना जो हिट थी वो कितनी ज़्यादा पावर की थी हिट थी। तो चलो अभी मैंने पीछे काम करवाया हुआ था और वो सारा का सारा मिट्टी हो गया, कोई बात नहीं, काम तो हो जाएगा दोबारा, मेन काम था कि जी मैं बच गया। तो चलो मैं इधर दवाई वगैरह लगा लूँ अभी, पायोडीन से ज़ख़म साफ कर लूँ और ऊपर पॉलीफैक्स लगा लूँ, फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद जाके आपको बाइक की हालत दिखाता हूँ। यार एक चीज़ ना, सारे अपने जितने भी मेरे राइडर्स भाई हैं ना, उन सारों के लिए एक कह लो रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है कि जब भी निकलो ना बाहर, कम अज़ कम हेलमेट लाजमी पहना करो, हेलमेट लाजमी पहना करो। हेलमेट की आपने कोई कुछ नहीं करना, हेलमेट मैक्सिमम कितने का आ जाएगा, अगर आप नॉर्मल हेलमेट लोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 रुपये का हेलमेट आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा हेलमेट, यानी कि आपका सर तो बच जाएगा कम अज़ कम, ठीक है। तो हेलमेट लाजमी पहना करो। और अभी मुझे जो हल्की हल्की सी ये जो रगड़ें आई हुई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कह लो जो मैंने अपने प्रोटेक्शन जो मैंने अपनी की हुई थी, सिर्फ उस वजह से, यानी कि मुझे इतनी कोई ख़ास चोट नहीं लगी क्योंकि मैंने जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट भी वो मोटी थी, जैकेट पहनी हुई थी, और जो मेरी पैंट थी, पैंट की जो क्वालिटी थी, यानी कि जो कपड़ा जो था वो भी ज़रा मोटा था, क्योंकि जब रगड़ लगी तो वो कपड़े के ऊपर लगी, कपड़े ने अंदर मेरी टांगों को कोई रगड़ वगैरह नहीं लगाई। और जो मैंने शूज़ पहने हुए थे, शूज़ के सोल भी अच्छे मोटे थे, यानी कि वो अगर
हुआ तो जूते को भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस हाँ वो जब खिंच पड़ी तो वो पैर हाँ हल्का सा मुड़ जाता है, वो तो इतना तो चलता है, लेकिन कोई खास वो नहीं हुआ। और हेलमेट मैंने भी ऐसे ही नॉर्मल सा पहना हुआ था। हेलमेट मैं आपको दिखाऊंगा मैंने हेलमेट कौन सा पहना हुआ था। एक तो मेरा वो फ्लिपर है, ठीक है, जिसको हम मॉड्यूलर बोल रहे होते हैं, ठीक है, वो तो ज़रा महंगा हेलमेट, और मेरी कह लो मैं वो वाला हेलमेट भी नहीं पहन के गया, ठीक है। मैं भी हेलमेट आप लोगों की तरह जो सादे हेलमेट जो इधर रोड साइड पे जो पठान लेके बेच रहे होते हैं वो वाला पहना हुआ था टेक का, ठीक है, तो वो मैं हेलमेट भी दिखाऊंगा। तो कम से कम हेलमेट लाजमी पहना करो ताकि आपके जो सर है यानी कि वो बच जाए। तो चलो यार मैं दवाई लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जाके आपको बाइक की हालत दिखाता हूँ। लो यार अभी हम सारे जा रहे हैं जुमा पढ़ने, देखो एक ही बाइक के ऊपर चार चार बंदे बैठे हुए हैं। अभी मेरा ताज़ा ताज़ा हुआ है एक्सीडेंट और हम दोनों ऐसे देखो जा रहे हैं, हम दोनों क्या हम चार बंदे। तो चलो यार जुमा पढ़ाएं उसके बाद मिलते हैं। अभी मैं जुमा पढ़ के आ चुका हूँ, मैंने शर्ट भी अपनी चेंज कर ली है। पहले मैंने ना हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी क्योंकि मैंने ना उधर वो मेडिसिन लगाई हुई थी। तो अभी मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ बाइक की हालत। ये देखो ये है कुछ हमारी बाइक की हालत। हुआ क्या था कि जी जब मैं जा रहा था रास्ते में तो पीछे से वैगन वाले ने जो गाड़ी थी उसने लाके इधर पीछे हिट की, और हुआ क्या है देखो ये जो मड गार्ड है ठीक है ये बेंड हो चुका है यहाँ से, और ये उस दिन ही मैंने ये वाला इशारा नया डलवाया था ये भी टूट गया है, सारा कुछ दोबारा डलवाना पड़ेगा। ये देखो ये सारा ना टायर के साथ अटैच हो गया। ओए तुम क्या मेरे पास खा के खाना शुरू हो गया, देखो मुझे काट रही है। ओए पीछे हो, ओए मेरे पीछे पड़ गई। यार ऐसे तो नहीं करते, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला, पीछे ये देखो पीछे आ जा रही है, और ये देखो आगे से ना कुछ ये हालत हुई हुई है इसकी। ओए काट रही है मुझे। हाँ तो यार मैं बता रहा था ये है हमारी कुछ आगे से बाइक की हालत, सारा कुछ ये देखो फिर आ गई है। ओए ओए चल उधर उधर उधर, तेरी मैं ऐसी की तैसी। हाँ मैं स्पाइडरमैन पोज में खड़ा हूँ, टू डू 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 डू, ये चेक करो स्पाइडरमैन पोज, ये देखो मैं। यार यार मुझे बता लेने दे, तेरी मेहरबानी, तेरी तो मैं गिच्ची नपूंगा मैं। चल उधर काट रही है मुझे। ओए हाँ अब ऊपर नहीं तू आ सकती, इतनी तेज इसके दांत हैं, काट रही है मेरे पैरों को, पड़ रही है, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तेरा है, तेरी खड़ी हुई है। चल उधर, ओए ऊपर आ गई। ऊपर आ गई। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो अब नहीं आ सकती है, ये देखो ये रही कुछ बाइक की हालत। इतनी देर से मैं बाइक की हालत ही दिखाया जा रहा हूँ, मुझे दिखाने नहीं दे रही। ये चेक करो आगे से सारा का सारा मीटर वगैरह इसका टूट गया है, वो ऊपर मीटर ये रहा, और ये लाइट वगैरह भी सारी टूट गई है, इसका जो हैंडल बार है ये भी टेढ़ा हो गया है, अब ये सारा मुझे काम कराना पड़ेगा दोबारा से। चलो कोई नहीं इसका तो काम हम करा लेंगे, मेन काम ये था कि जी मैं बच गया, ठीक है। चलो ये तो चीज़ें बन जाती हैं, दोबारा ज़िंदगी नहीं दोबारा आती। तो जो चीज़ मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि जी हेलमेट लाजमी पहना करो क्योंकि सर की चोट अगर लग जाए तो वो सही नहीं होती, तो सर बचना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो ये वाला मैंने हेलमेट पहना हुआ था उस टाइम, ये है ये टेक का हेलमेट, और ये वाला मैं हेलमेट घर छोड़ के गया हुआ था, ये है वो उसका मॉड्यूलर वाला मुझे ओपन हो जाता है फ्लिप अप ये वाला, तो ये वाला मैं पहन के गया हुआ था। तो कम अज़ कम हेलमेट लाजमी पहना करो। लो यार अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अपने लिए मैक्रोनी, जो पिछले जुमे में मैक्रोनी लाया था ना अपने लिए वो जुमा बाज़ार से, वो जो सारी मार्केट आपको दिखाई थी वो वाली मैक्रोनी मैं आज बना रहा हूँ।
पहले घर में बना के खानी थी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी पड़ी भी थी, तो मैं कहा चलो भूख लग रही है थोड़ी सी ना बना के खा लेता हूँ। तो अभी ये मैंने मैक्रोनी बॉयल करने रख दी हुई है, तो अब ये बॉयल होगी फिर इसके ऊपर वो मसाले वगैरह सारे डलेंगे, तो चलो मैं ज़रा मैक्रोनी बना लूँ उसके बाद आता हूँ। वो यार इधर मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी है, मैक्रोनी बना ली है मैंने, आधी मैंने बनाई है और आधी मेरी बहन ने बनाई है, और ये बैठी हुई खा रही है मोटी। तो चलो मैं ज़रा मैक्रोनी खा लूँ उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। लो यार अभी बाहर बहुत ज़्यादा काले बादल आए हुए हैं, फुल टाइम ब्लैक माहौल हुआ हुआ है, सारा का सारा काला हुआ हुआ है, और मैं अपनी बाइक को जो एक्सीडेंट हुई भी खड़ी हुई है उसको मैं निकाल के वहाँ से उधर घर के अंदर खड़ा करूँगा, वरना वो उसकी जो सारी वायरिंग वगैरह है वो सारी गीली हो जाएगी, और ये देखो बारिश भी आना शुरू हो गई है। तो यार चलो मैं ज़रा बाइक उधर ट्रांसफ़र कर दूँ उसके बाद आता हूँ। लो यार बाइक मैं अंदर ले आया हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे जिसकी वजह से मैं ना ये देखो ना सारी अब इसकी वायरिंग शेयरिंग सारी बाहर निकली पड़ी है, ये देखो सारा कुछ। मैं कहा बारिश और ना जाए, इस वजह से मैंने ना इसको वहाँ पहले उधर हवेली में खड़ी हुई थी उधर से ला कर मैंने इसको घर के अंदर खड़ा कर दिया, ताकि अगर बारिश भी हो तो इसे कुछ वो मसला वगैरह ना हो। तो चलो अब देखते हैं इसका कल परसों में काम कराते हैं, अभी पीछे काम कराया था दोबारा काम ये सारा कराना पड़ना है। चलो कोई नहीं जाते हैं घर, कोई जो काम वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बस यूनिवर्सिटी का काम करूँगा उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। लो यार देखते देखते बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं आज एकेडमी भी नहीं गया क्योंकि बाइक ऐसी पड़ी हुई थी और कोई बाइक उस टाइम अवेलेबल भी नहीं थी, तो मैं एकेडमी भी नहीं गया, और अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो काम थोड़ा सा रह गया मेरा यूनिवर्सिटी का, मैं वो कर रहा हूँ उसके बाद आपसे मिलते हैं। लो यार खाना वगैरह मैंने खा लिया है और अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। मैं आज की वीडियो में बस यही कुछ था, कुछ इतना खास था नहीं क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी जो राइट साइड है ना लेग की उसमें ना हल्का हल्का पेन हो रहा था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, और कोई भाई के लिए सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।